पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण का शिलान्यास हो और लोकसभा चुनाव से पहले हो, नहीं तो हो सकता है एनडीए गठबंधन को भारी नुकसान, हो सकता है 2024 के चुनाव में वोट का बहिष्कार। ऐसा ही कुछ नजारा कल देखने और सुनने को मिला पूर्णिया शहर के अंबेडकर सेवा सदन में, जहां पूर्णिया के लोग एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे थे। भूख हड़ताल में पूर्णिया के व्यापारी, व्यवसायी, वकील, डॉक्टर, पत्रकार और कई सामाजिक संगठन के साथ साथ कई प्रबुद्ध जनों ने भी हिस्सा लिया था। और जानते हैं, ये भूख हड़ताल उस वक्त आयोजित की गई थी जब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने वाली केंद्र सरकार और बिहार सरकार का आपस में गठबंधन कर सरकार बन गई थी, और जिस दिन बिहार विधानसभा में एनडीए गठबंधन बहुमत सिद्ध करने वाली थी उसके ठीक एक दिन पहले 11 फरवरी को यह हड़ताल किया गया। अंबेडकर सदन में हड़ताल पर बैठे लोगों में ऐसी आशा भी देखी गई, उनकी आंखों में एक उम्मीद भी झलक रही थी कि अब एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण जल्द प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि जदयू अब भाजपा के साथ सरकार बना ली है, इसलिए अब कोई व्यवधान नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं एयरपोर्ट निर्माण में हो रही देरी के कारण लोगों में गुस्सा भी था, लोग सरकार के प्रति नाराज भी दिखे, जिसके कारण भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने कहा कि पीएम पैकेज के तहत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकृति दी थी और 2024 तक भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका, लेकिन अब तो काम में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार एक हो गई है, इसलिए अब तो देरी नहीं लगनी चाहिए, ऐसी उम्मीद है लोगों को। साथ ही उन लोगों ने सरकार को चेताया भी कि यदि लोकसभा चुनाव से पहले पूर्णिया एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास नहीं होता है तो एनडीए गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, हम सभी वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं। हालांकि ये एक दिवसीय धरना था और सुबह 10 बजे से 5 बजे शाम तक का ही समय निर्धारित था, इसलिए सभी लोग वापस अपने अपने घर चले गए, लेकिन सवाल छोड़ गए कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हो पाएगा, क्या पूर्णिया के लोगों का हवाई जहाज से उड़ने का सपना 2025 में पूरा हो पाएगा। जिस तरीके से पिछले 13 वर्षों से पूर्णियावासी संघर्ष कर रहे हैं और लगातार बैठकें, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और पैदल मार्च करके आंदोलन कर रहे हैं, वैसे वक्त में जिस प्रकार लगातार जनप्रतिनिधियों की उदासीनता देखी जा रही है, वैसे में ऐसा संभव नहीं दिखता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शिलान्यास हो पाएगा। वैसे सरकार है और यदि दोनों सरकारें केंद्र सरकार और बिहार सरकार ये ठान ले तो शिलान्यास तो क्या, निर्माण कार्य भी चुनाव से पहले प्रारंभ हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव दिखता नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच जो MOUs यानी दोनों के बीच जिस समझौता पत्र पर साइन किया गया था, उस समझौते पत्र पर बिहार सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। दरअसल पिछले 5 जून को एयरपोर्ट अथॉरिटी और बिहार सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते में एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा 68 एकड़ जमीन की मांग की गई थी, जिसमें बिहार सरकार ने 52.18 एकड़ जमीन अक्टूबर 2022 में अधिग्रहण कर ली थी, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी को और 15 एकड़ जमीन चाहिए थी। साथ ही उस समझौता पत्र में बिजली और पानी के साथ साथ एयरपोर्ट की जमीन तक फोरलेन कनेक्टिविटी, सड़क मुहैया करवाने की भी बात लिखी गई थी, लेकिन बिहार सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया, न तो पानी और बिजली पहुंचाने की दिशा में कोई दिशा निर्देश जारी किया और न ही फोरलेन कनेक्टिविटी सड़क बनाने के लिए ही कोई तत्परता दिखाई। यहां तक कि जो अतिरिक्त 15 एकड़ जमीन और उपलब्ध करानी थी उसके अधिग्रहण के लिए भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में चुनाव से पहले पूर्णिया एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास, टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण और कोटा केबिन के तहत हवाई जहाज का उड़पाना संभव नहीं लगता है, और ऐसा संभव इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि स्थानीय नेताओं में
उतनी तत्परता नहीं दिखती है जितनी दिखनी चाहिए। आज भी नेताओं का काम समाजसेवी किया करते हैं। आपको याद होगा कि 8 सांसदों का एक शिष्टमंडल दल केंद्रीय उद्यान मंत्री ज्योतिराज सिंधिया से मिलने दिल्ली पहुंचे थे, और जानते हैं उस शिष्टमंडल की अगुवाई भी एक समाजसेवी ने ही किया था, और वे समाजसेवी थे रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन विश्वजीत सिंह, जिन्होंने उड्डयन मंत्रालय से समय लेकर सभी सांसदों को इकट्ठा करके उड्डयन मंत्री से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। आप इस फोटो में उस समाजसेवी को भी देख सकते हैं जो 8 सांसद के बीच में खड़े हैं। हालांकि पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा और बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने भी व्यक्तिगत रूप से सिंधिया से मिले और एयरपोर्ट निर्माण जल्द करवाने का आग्रह भी किया, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार से हर तरह का लाभ लेते रहे और कोसी और सीमांचल के नेता भगवान भरोसे बैठे रहे। कभी किसी नेता ने बिहार सरकार से ये कहने नहीं गए कि पूर्णिया एयरपोर्ट को 15 एकड़ जमीन और उपलब्ध करवा दी जाए और NH 31 से 4-लेन कनेक्टिविटी सड़क का निर्माण भी जल्द करवा दिया जाए, जैसा कि MOU में लिखा गया है। किसी नेता ने मुख्यमंत्री से मिलने की तत्परता नहीं दिखाई, जिसका परिणाम है कि आज भी पूर्णिया वासियों को भूख हड़ताल करना पड़ता है। पूर्णिया के लोग आज भी संघर्ष करते देखे जा रहे हैं, और जरा कल्पना कीजिए कि यदि समाज से भी विजय श्रीवास्तव, अरविंद सिंह और अरविंद झा के नेतृत्व में सिविल सोसाइटी के बैनर तले एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया और डॉक्टर AK गुप्ता के द्वारा पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट का अभियान नहीं चलाया गया होता और उन सबों के साथ देने के लिए ग्रुप कैप्टन विश्वजीत सिंह नहीं होते, और साथ ही आज जो समाजसेवी, बुद्धिजीवी, व्यापारी, वकील, डॉक्टर इस अभियान में दिखाई दे रहे हैं उन सबों का साथ नहीं मिला होता तो शायद एयरपोर्ट की शिलान्यास और निर्माण की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन जैसे ही शिलान्यास की तिथि घोषित होगी, वैसे ही एयरपोर्ट निर्माण का क्रेडिट लेने के लिए नेताओं में प्रतियोगिता हो जाएगी। शिलान्यास के दिन सभी नेता एक दूसरे को पीछे हटाने और खुद को आगे आने में सारी ताकत झोंक देंगे। उस दिन भी स्थानीय नेता क्रेडिट लेने के लिए बेताब नजर आएंगे, लेकिन संघर्ष के वक्त भूख हड़ताल पर बैठे लोगों से मिलने तक नहीं पहुंचे कोई नेता। उनका हालचाल भी जानना मुनासिब नहीं समझते हैं। खैर, पूर्णियावासी एक बार फिर आंदोलन के मूड में है, इसलिए अब देखना है कि आने वाले वक्त में पूर्णियावासी की मांग और उनके सपने कब पूरे होते हैं। लेकिन आप कमेंट करके अवश्य बताइए कि पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण में हुई देरी का जिम्मेवार कौन है। साथ ही द न्यूज 19 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।